कैंप भी लगाया हुआ है और मेंबरशिप ड्राइव भी हमारा चालू है। यहाँ पे हम मेंबरशिप जोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में लोगों से अपील कर रहे हैं। और यहाँ के एम हॉस्पिटल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा लो, के एम हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ बैठा है। के एम आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे हम कार्यकर्ता है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का काम चालू है। हमारे मेंबरशिप हम बना रहे आम आदमी पार्टी में अस्पताल से। हम लोग यहाँ पे सब लोगों का ओरल कैंप कर रहे हैं, जितने भी लोग ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते उनके लिए हम मुफ्त में दवा दे रहे हैं और प्लस उनका चेकअप जांच के ईएम थ्रू करवा रहे हैं। ओरल क्या होता है दर्शकों को? दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आपका परिचय दीजिए और आपने आज यहां पे जो कैंप लगा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं हाजी मकसूद मुल्ला, आम आदमी पार्टी का वार्ड क्रमांक 48 का अध्यक्ष, और आज यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी के तरफ से ये मेडिकल कैंप भी लगाया हुआ है और मेंबरशिप ड्राइव भी हमारा चालू है। यहाँ पे हम मेंबरशिप जोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में लोगों से अपील कर रहे हैं। और यहाँ के एम हॉस्पिटल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा लो, के एम हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ बैठा है। के एम हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं और ये सब फ्री में डेंटल दांत का चेकअप कर रहे हैं और नॉमिनल खर्चे में एक सब काम हो रहा है। दांत का जिसको भी आना है ये फ्री में चेकअप हो रहा है यहाँ पे। ये आम आदमी पार्टी की जानिब से चल रहा है। अभी हम सत्ते में नहीं है, फिर भी लोगों के लिए सेवा कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। तो लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, आप आइए यहाँ पे, मेंबर भी बनिए और दांत का जो कैंप लगा है वो उसका भी आप फायदा ले लीजिए। आने वाले दिनों में अगर आपकी सत्ता आती है तो आप जनता से क्या वादा करते हैं, केजरीवाल की तरफ से क्या वादा करते हैं, किस तरह से जनता की सेवा करेंगे? आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव है, 227 वार्ड में हम पूरे इलेक्शन यहाँ लड़ेंगे। पूरे 227 वार्ड में हम हमारे कैंडिडेट उतारेंगे और हम इलेक्शन भी जीतेंगे। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा और मेयर बनने के बाद में हम लोग एक एक किलोमीटर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, लेडीज लोग के बस सेवा फ्री करेंगे, बच्चों की पढ़ाई फ्री करेंगे, लाइट का बिल फ्री करेंगे। जो हमने दिल्ली में बनाया वही पंजाब में बनाया, वैसा है मुंबई में करना चाहते हैं। मुंबई का 39,000 करोड़ का बजट है, वो बजट लोगों में काम में लाएंगे, क्योंकि हमारे पास करप्शन नहीं है, इसलिए हम लोगों का काम करेंगे। यहाँ पे जो गंदगी है सब हटा दे देंगे। अभी तक का कितने मेंबर आपके मेंबर ड्राइव में शामिल हुए? अभी हमारे दो चार दिन से काम चालू है, लोग अच्छा उत्सव मिल रहे हैं। अपने काउंटिंग तो नहीं किया लेकिन लोगों को अच्छा हमको ये मिल रहा है, लोग अच्छे संख्या में आके जुड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं आज के तारीख में कि ये की पार्टी है और लोगों के लिए काम कर रही है, तो इसे लोग अच्छा हमको आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आगे हम आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। ये कैंप आपका कब तक चलेगा और भी कई कैंप लगेगा आपका? और भी काम लगता रहेगा आने वाले समय में। यहाँ भी इंशाल्लाह आप भी आज लगा है कैंप, कल भी लगेगा और आने वाले समय में और भी जहाँ लगेंगे हम लोग हमारा अनाउंस कर देंगे और हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के ग्रुप है सबमें मैसेज जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप मालवनी की जनता को क्या आखिर में मैसेज देना चाहेंगे? हम मालवनी की जनता के लिए आखिर में मैसेज चाहिए, आइए जागरूक हो जाइए। शिवसेना ने 25 साल से यहाँ काम किया है, म्यूनसिपाली में काम किया, लेकिन कोई भी पब्लिक के लिए काम नहीं किया है, पब्लिक के हित में कुछ भी काम नहीं, सब अंदर गंदगी पड़ी है। यहाँ भी सब गंदगी पड़ी है, ये कोरोना का काल है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई किसी को तवज्जो नहीं पड़ी है, कोई पब्लिक के लिए नहीं सोच रहा है, सिर्फ आम आदमी पार्टी पब्लिक के लिए सोच रही है। और आज के तारीख में हम सत्ते में नहीं है फिर भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय आप खुद देख सकते हैं कि पंजाब दिल्ली कैसा के, सो सत्ते में आने के बाद मुंबई का नक्शा हम बदले कर देंगे। नशे के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल भी नशे के ऊपर अभियान नशा मुक्त मालवनी नशा मुक्त अभियान का रैली निकला था, एमएम पार्टी ने भी निकला था। नशा दिन ब दिन मालवनी में बढ़ते जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे गली गली में नशा कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या करेंगे? आने वाले समय में हमारा सबसे पहला तो यही ध्येय रहेगा, आने वाले समय में मालवनी नशा मुक्त करेंगे। ये अपने कौम के बच्चे जो भी बिगड़ रहे हैं, जब खराब हो रहे हैं बच्चे लोग, वो उनको हम राहत दिला देंगे और हम किसी बच्चों को नहीं बोलेंगे तू नशा मत कर करके। हम लोग नशा जो नशा ऊपर से आ रहा है, माल जो ऊपर से आ रहा है वही हम सब बंद कर देंगे। जब माल आएगा नहीं है, माल बिकेगा ही नहीं है, तो नशा कैसा होएगा? ऊपर से हम बंद करेंगे, आने वाले समय में नशा बंद करके रखेंगे। मैं अकेला भी कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं अभी सत्ते में नहीं है, लेकिन सत्ते में आने के बाद में हम लोग नशे पे सबसे बड़ा काम करेंगे, नशा मुक्त करके रहेंगे। ट्रैफिक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और जो मालवनी से जो रोड पास हो चुके अभी तक बने नहीं है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब नेता लोग है, यहाँ के जो नेता लोग जिसने वादा करके गया था,
जिसने किया नहीं क्या, बोले थे आने वाले 2 साल में इतने रास्ते बनाएंगे, इतने रास्ते पर एक भी रास्ता अभी तक बना नहीं है, कोई भी एग्जिट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आम आदमी पार्टी रास्ते पर भी काम करेंगे और जितने डीपी प्लान में रोड है वो सब रोड बना के दिखाएंगे हम लोग इंशाल्लाह तआला आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके कार्यालय के सामने कचरा पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे? हमने इसका एक्शन ले लिया है, हम बीएमसी में गए थे, बीएमसी में जाके इसकी शिकायत करके आए थे, हमने हमारे लेटर पैड पे शिकायत की है और यहाँ पे सैटरडे दिन वहाँ के वार्ड ऑफिसर चेक करके गया है यहाँ पे और उन्होंने प्रॉमिस किया है ये कचरा यहाँ नहीं होएगा और यहाँ पे वहाँ पे डब्बे लगेंगे, यहाँ रिक्शा स्टैंड के जो कॉर्नर है वहाँ पे कचरे के अच्छे जो बड़े बड़े 2-3 डब्बे लगेंगे, ये सब कचरा आने वाले समय में वो डब्बे में जाएगा, यहाँ की गंदगी सब हट जाएगी। वहाँ पे तो सोसाइटी है, वहाँ से तो अभी कचरा डब्बा हटा दिया गया है, यहाँ वहाँ सोसाइटी के बाजू में कॉर्नर में डब्बे लगेंगे, वहाँ पे गलत होगा क्योंकि वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है पूरा। नहीं नहीं, डब्बे लगेंगे वहाँ पे, रेसिडेंशियल इधर भी सब है, वहाँ के डब्बे लगेंगे और डेली म्यूनसिपालिटी ने हमको वादा किया है, बीएमसी ने वादा किया है, हम दिन में 2 टाइम आके वो कचरा उठा के लेके जाएंगे। आप जहाँ खड़े हैं उसके पीछे ही सब लोग बच्चे लोग नशा करते हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये नशा करते हैं, हम तो माँ बाप से अपील करते हैं, हम सबके घर में जाके हाथ जोड़ के बोलेंगे आपके बच्चे बचाने का काम हमारा है, इंशाल्लाह आने वाले समय में नशा मुक्त हम करके रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से और यहाँ पर किस चीज़ का कहना है? मैं डॉक्टर अश्विनी सबकालू KEM अस्पताल से, हम लोग यहाँ पे सब लोगों का ओरल कैम्प कर रहे हैं, जितने भी लोग ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते उनके लिए हम मुफ्त में दवा दे रहे हैं और प्लस उनका चेकअप जांच KEM थ्रू करवा रहे हैं। ओरल क्या होता है दर्शकों? ओरल कैंसर जिनको हो सकता है ऐसे कुछ जो चीज़ें रहती है, जो लोग तंबाकू बीड़ी सिगरेट जो भी पीते हैं खाते हैं उन सबका मुफ्त में जाँच कर रहे हैं कि कहीं इन लोगों को आगे जाके कैंसर का शिकायत ना हो। ये जितना अभी तक हम लोगों ने कम से कम 400-500 लोगों को चेक किया है, उसमें से 100-150 लोगों का सैंपल लिया है जांच करने के लिए और अभी भी चल रहा है, अभी 13 तारीख तक है फिलहाल, आगे भी रहेगा तो हम बताएंगे। यहाँ पर आपका मालवनी गेट नंबर 8 पे आपने कैंप लगाया है, कब तक रहेगा? अभी फिलहाल 13 तारीख तक है बट आगे भी लगेंगे ऐसे काम। आज 3-3:30 बजे तक है कैंप यहाँ पर। यस, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। आपका नाम बताइए और आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? जी मेरा नाम सकीना शेख है, मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से हूँ, हम आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे हम कार्यकर्ता है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का काम चालू है, हमारे मेंबरशिप हम बना रहे हैं आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल की तरफ से हम आम आदमी पार्टी के लिए हम यहाँ मेंबर बना रहे हैं और यहाँ पे जी अभी तक हमारे कम से कम 200-300 मेंबर हो गए हैं, यहाँ पर 200-300 से भी ऊपर हुए होंगे लेकिन एग्जैक्टली मैं 100-200 ही बोल रही हूँ। और यहाँ पे मेडिकल सेंटर भी इन्होंने खोला है, डेंटल चेकअप होता है यहाँ पे फ्री में आम आदमी पार्टी की तरफ से, जगह जगह ये लोग कैंप लगाते हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी फ्री में ये कैंप रखा हुआ है।